नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस बिहार पर्यटन सीरीज में मधुबनी लेके चलेंगे। उत्तर बिहार में आने वाला यह जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दरभंगा एवं मधुबनी को मिथिला संस्कृति का दवी ध्रुव माना जाता है। मधुबनी का नाम लेते ही जो सबसे पहली तस्वीर दिमाग में आती है वो है वहाँ की खूबसूरत पेंटिंग्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेंटिंग पेड़ पौधे के रंग और दिए की कालिक से बनाए जाते हैं। साथ ही मैथिली हस्तशिल्प में कताई और बुनावट का अहम स्थान है और यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ मौजूद विभिन्न प्रकार की पुरातात्विक संपदा मधुबनी पर्यटन को और भी समृद्ध बना देती है। तो चलिए बताते हैं आपको वहाँ के पर्यटन के स्थलों के बारे में। पहला है सौराठ। मधुबनी का सौराठ जगह दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक है सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग गुजरात के सोमनाथ से लाया गया है। सौराठ का नाम भी गुजरात के सौराष्ट्र से मिलता जुलता है। सोमनाथ से शिवलिंग लाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम सौराठ पड़ा, जो सौराष्ट्र का ही अपभ्रंश है। दूसरी है प्रसिद्ध सौराठ सभा में शादी के लिए इच्छुक वर वधु के परिजन जुटते थे। आषाढ़ में लगने वाली इस सभा में प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों ब्राह्मण पहुंचते थे। इसमें वैवाहिक संबंध तय होते थे, बिना किसी तामझाम और दहेज के शादी होती थी। इस सभा की शुरुआत तत्कालीन राजा हरसिंह देव ने लगभग 700 साल पहले 1310 ईसा में किया था। हालांकि यह सभा पहले की तरह नहीं रही, परंतु अब भी इस प्रथा को वहां के लोगों द्वारा जिंदा रखा गया है। दूसरा है नौलखा महल। नौलखा महल का निर्माण मधुबनी जिले के राजनगर में 17वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि इस महल और भव्य मंदिर को बनवाने के लिए महाराजा रामेश्वर सिंह ने 17वीं शताब्दी में 9 लाख चांदी के सिक्के खर्च किए थे, इसलिए इस महल का नाम नौलखा मंदिर पड़ा। पूरा महल हाथी के आकार के विशाल पिलर पर बना है। जहाँ जहाँ भी पिलर की जरूरत थी वहाँ वहाँ विशाल हाथी बनाया गया है और उसके ऊपर पूरी महल को एक भव्य रूप देकर निर्माण करवाया गया है। 1934 में आए भूकंप में यह महल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद दरभंगा राज के 22वें महाराज कामेश्वर सिंह ने पुनः इसे संवारा, लेकिन 1988 में आए भयंकर भूकंप में यह महल फिर से ध्वस्त हो गया। वर्तमान में महल के भग्नावशेष अभी मौजूद है। फिर आता है कपिलेश्वर मंदिर। यह मंदिर रहीका प्रखंड में कपिलेश्वर गाँव में स्थित है। मान्यता है कि यह मंदिर कपिल मुनि द्वारा स्थापित है। यहाँ सालों भर प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन पूजन एवं जलाभिषेक किया जाता है। साथ ही यहाँ प्रतिवर्ष श्रावण मास में एक महीने तक श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। इस दौरान यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। अगला है उग्रनाथ महादेव। मिथिलांचल का अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक यह मंदिर पंडौल प्रखंड के भवानीपुर गांव में स्थित है। कहा जाता है कि मैथिली के महान कवि विद्यापति से यह मंदिर जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार विद्यापति शिव के इतने अनन्य भक्त थे कि स्वयं शिव ही उगना बनकर उनकी सेवा करने लगे थे। आगे बात करेंगे भगवती स्थान उच्चैठ की। मिथिला के एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाने वाला भगवती स्थान उच्चैठ बेनीपट्टी अनुमंडल में स्थित है। भगवती मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। इन्हें छिन्न मस्तिका दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्गा मां सिर्फ कंधे तक ही दिखाई देती है, कंधे से ऊपर इनका सिर नहीं है। मान्यताओं के अनुसार कालिदास पहले काफी मूर्ख थे, परंतु इसी स्थान पर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर वो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार बने। दोस्तों, मधुबनी अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों पर जादुई असर करता है। जो पर्यटक यहाँ आते हैं वे इस स्थान की खूबसूरती और विरासत से इनकार नहीं कर सकते। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि आपको एक बार मधुबनी घूमने जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थलों में हमने आज आपको मधुबनी जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। अगले वीडियोस में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।